happened? We came, we got a telephone that somebody has killed your uncle on the road. Then we went to the spot and we just asked some people there what happened. They told us that the Mujahideen attacked the security forces, and in that process they lost numerous persons, security persons. And to take the revenge, they took my uncle out of his car when he was carrying his grandson in his lap, and they brushed him on the back. So he was dead on the spot. What is the substantial evidence? Substantial evidence is the locals who were just watching through their windows there. And they told me that their the security forces pushed him out of his car and killed him on the spot by bursting him on his back. Yes, sir. You can see the breast on his back. That is evident. The injury is totally evident. The spot where he was shot, abreast. Maliki Yawm al-Din. हमारे कायनात लूट गई, हम क्या बोलेंगे? मिलिट्री वालों ने उसको नीचे उतार कर गोली मारी, गोली मारी नीचे, ये रखा छोटा बच्चा उसके पेट पर, ये रखा उसका उसका मोदी को पता भी है कौन सा इंसाफ है, मोदी का बोला ये कौन सा इंसाफ है? आज मॉर्निंग में 7:30 में दिल्ली की तरह जब सीआरपी जा रही थी वहाँ पर नाका लगाने के लिए मॉडल टाउन शोपुर में, और जो ज्वाइंट नाका डेली होता है पुलिस और सीआरपी का, तो जिस टाइम में सीआरपी के जवान गाड़ी से डिबोर्ड कर रहा था उसी टाइम मस्जिद के अंदर से अंधाधुंध फायरिंग आना शुरू हो गया, जिसमें सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए, 3 जख्मी हो गए। वहाँ से कार में 65 ईयर ओल्ड एक बशीर साहब जा रहे थे, उसके गाड़ी में एक छोटा बच्चा था, वो पैनिकली गाड़ी से निकल के बच्चा को लेकर भागना चाहा, उनको भी गोली लग गया, उसमें उनकी जान गई है। लोगों ने गलत फैलाया, खास के मिसक्रियंट लोग हैं, और मिसक्रियंट के डर से, मिलिटेंट के डर से उसका बेटा भी एक वीडियो जारी किया जो सरासर गलत है। इनफैक्ट कि मैं पुलिस के एसएचओ का बहुत मैं इसको इनकरेज करूंगा, या मैं ये आप लोग बताना चाहूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अपनी जान को हथेली में डाल के फायरिंग के बीच में जाके बच्चों को वहां से रेस्क्यू किया। Thank you.